डीएनए रिप्लिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं की कॉपी बनाता है। डीएनए एक अणु है जो दो स्ट्रैंड से बना होता है, एक दूसरे से चारों ओर एक डबल हेलिक्स में मुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड चार कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के अनुक्रम से बना होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब है कि जहाँ भी स्ट्रैंड में थायमिन है, विपरीत स्ट्रैंड में एडेनिन होगा, और जहाँ साइटोसिन है, दूसरे स्ट्रैंड में ग्वानिन होगा। प्रत्येक स्ट्रैंड का 5 एंड और 3 एंड होता है। दोनों स्ट्रैंड विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यह ये निर्धारित करता है कि डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड में कैसे रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन में पहला कदम डीएनए अणु की डबल हेलिक्स की संरचना को अंजीब करना होता है। यह एक हेलिकेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है, जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को एक साथ पकड़कर दोनों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। डीएनए के दो सिंगल स्ट्रैंड के अलग होने से एक वाई आकार की आकृति बनता है, जिसे रिप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाने के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे। एक स्ट्रैंड 3 से 5 की डायरेक्शन में होता है, जो कि रिप्लिकेशन फोर्क की ओर ओरिएंटेड होते हैं। इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। दूसरा स्ट्रैंड 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है, जो कि रिप्लिकेशन फोर्स से दूर ओरिएंटेड होते हैं। इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। दोनों स्ट्रैंड के अलग अलग ओरिएंटेड के परिणाम स्वरूप दोनों स्ट्रैंड में रिप्लिकेशन की प्रोसेस अलग अलग होती है। पहले बात करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड में प्राइमेज नामक एंजाइम प्रक्रिया की शुरुआत करता है। यह एंजाइम आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे प्राइमर कहा जाता है, यह लीडिंग स्ट्रैंड के अंतिम छोर से जोड़ता है। प्राइमर डीएनए संश्लेषण के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड से जुड़ता है और फिर डीएनए के स्ट्रैंड में 5 से 3 की दिशा में नए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस यानी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन को जोड़ता चला जाता है। तो इस तरह की रिप्लिकेशन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब बात करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। लैगिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस तरीके से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह विपरीत दिशा में चलता है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज केवल इस स्ट्रैंड को छोटे छोटे टुकड़ों की श्रृंखला में बना सकता है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। प्रत्येक फ्रेगमेंट एक आरएनए प्राइमर के साथ शुरू होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी पंक्ति 5 से 3 की दिशा में जोड़ता है। नेक्स्ट प्राइमर को लैगिंग स्ट्रैंड के नीचे और जोड़ा जाता है। इसके बाद एक और ओकाजाकी फ्रेगमेंट से बनाया जाता है। और प्रोसेस को फिर दोहराया जाता है। तो इस प्रकार की रिप्लिकेशन को डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है, क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाद में ज्वाइंट करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब सभी बेसेस का मिलान हो जाता है, जैसे एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, तब एक एंजाइम जिसे एक्सोन्यूक्लिएज कहा जाता है, यह प्राइमर को हटा देता है। प्राइमर के हटने के बाद जो गैप बनता है, उसमें फिर से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स भर दिए जाते हैं। नए डीएनए सीक्वेंस में कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड को प्रूफ रीड किया जाता है, यानी कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के अनुक्रम को चेक किया जाता है। और अंत में डीएनए लाइगेज नामक एक एंजाइम डीएनए के अनुक्रम को 2 निरंतर डबल स्ट्रैंड में सील कर देता है। डीएनए रिप्लिकेशन के परिणाम स्वरूप 2 डीएनए अणु होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक नई और एक पुरानी श्रृंखला होती है। यही कारण है कि डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि श्रृंखला का आधा मूल डीएनए अणु का हिस्सा होता है और आधा बिल्कुल नया होता है। रिप्लिकेशन के बाद नया डीएनए ऑटोमेटिकली स्वयं ही एक डबल हेलिक्स में बदल जाता है। आपको बता दें, यह 3D एनिमेशन योर जीनोम से लिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।